हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर में बात आती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा कौन से नंबर पे है, तो अब लिख लें क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा 21वें नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का 21वां नंबर है प्यारे बच्चों। अगर जो यही क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए मील में, तो मील में आएगा 17,070 मील। 17,070 मील मील में पूछ लिया जाए तो हरियाणा में 17,070 मील में फैला हुआ है पूरा हरियाणा। कौन सा नंबर है? 21वां। जनसंख्या में 18वां है, वैसे कौन सा है? 21वां क्षेत्रफल में। अभी पढ़ाई में भी आएगा, सारी चीजों में आएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हरियाणा की कुल साक्षरता दर, हरियाणा की कुल साक्षरता दर, हरियाणा की जो साक्षरता दर पूछ ली जाए आपसे, तो हरियाणा की साक्षरता दर है प्यारे बच्चों 76.65%। 76.65% भारत की अगर जो साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है भाई। इंडिया की, इंडिया की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 74.04% है और हरियाणा की 76.65% है मेरे बच्चों। 76% लोग पढ़े लिखे हरियाणा के, 76.65%, बाकी के जो बच गए वो अनपढ़ हैं। 76.65% पढ़े लिखे। बताओ पढ़े लिखे किसको माना जाता है? नुका जी ग्रेजुएट वाले पढ़े लिखे होते हैं, एक खतरनाक है सारे के सारे। साक्षरता दर हरियाणा की 76.65, कौन सा नंबर है सर जी हमारा? 15वां नंबर है मेरे भाई। लिख लो प्यारे बच्चों, जो ये बाद में नंबर लिखवा रहा हूं ना तुम्हें, तो ये जरूर याद रखना किस में कौन सा नंबर है। कौन सा नंबर है? 15वां। जैसे हमारा अगर जो प्यारे बच्चों जनसंख्या में बात करें तो 18वां, क्षेत्रफल में करें तो 21वां, साक्षरता दर में करें तो 15वां। हमसे 14 राज्य ऐसे हैं जो आगे हैं पढ़ाई में, हमारा जो नंबर है वो कौन सा है? 15वां। सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? केरल। सबसे पहले पे केरल। ये आंकड़े जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के पढ़ाए जा रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार। बोले जी आप कहोगे जनगणना तो 2021 की भी हो चुकी है, लेकिन उसके आंकड़े तो नहीं आए अभी तक हमारे पास। जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं आएंगे तो हम नए आंकड़े कैसे पढ़ाएंगे? अभी तक 2011 के ही आंकड़े स्पष्ट हुए हैं तो वही पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि चल रहा 2022 है, 22 भी जाने वाला है, लेकिन आंकड़े 2021 के आए नहीं है। जैसे आएंगे मैं आपको नए आंकड़े पढ़ा दूंगा, ये अभी फिलहाल पेपर में पुराने ही आंकड़े पूछे जाते हैं। अरे याद रहेगा, आगे लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखो। हरियाणा का, हरियाणा का, हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला लिख लो जल्दी से। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गुड़गांव। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गुड़गांव। गुड़गांव की जो लिटरेसी रेट है वो 84.4% है। 84.4% लोग पढ़े लिखे हैं गुड़गांव के। हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? गुड़गांव। सबसे ज्यादा साक्षरता दर, यही सेम क्वेश्चन लिखे हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे कम लिखो फटाफट। अरे कोमे लगा के लिख लिया करो ना, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है मेवात। अभी बोला तो था मैंने आप लोगों को मेवात में रावण की पूजा होती है, बोला था ना मैंने रावण का मेला कहाँ लगता है? मेवात में। ये जहरीले हैं, खतरनाक आदमी है मेवात। मेवात की जो लिटरेसी रेट है वो प्यारे बच्चों 56.1% है। मेवात सबसे पिछले नंबर पे है हरियाणा के अंदर साक्षरता दर में। अब मेरे साथ साथ सारे बच्चों को बोलना है, याद करना, 10 क्वेश्चन याद कराऊंगा भाई साहब इकोनॉमिक्स के, 10 के 10 क्वेश्चन हरियाणा इकोनॉमी के, उनमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। सारे बच्चे बोलो, हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला गुड़गांव, सबसे कम किसकी है? मेवात। गुड़गांव की साक्षरता दर 84.4, मेवात की 56.1। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिले की है? गुड़गांव। जहाँ की साक्षरता दर ज्यादा होगी वहाँ के पुरुष सबसे, सॉरी, वहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी। अरे है ना, जहाँ की साक्षरता दर कम होगी वहाँ की महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी। अब तुम मेरे को बताओ हरियाणा में सबसे ज्यादा, क्या बोला मैंने? सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर किसकी है? गुड़गांव। सबसे कम है मेवात। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी कहाँ की है? मेवात। दोबारा सुन लो,
सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला गुड़गांव, सबसे कम है मेवात। जिस जिले की साक्षरता दर ज्यादा होगी वहां की पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सॉरी वहां की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी। जहां साक्षरता दर कम होगी वहां की महिलाएं भी कम पढ़ी लिखी होंगी, पुरुष भी कम होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं रेवाड़ी के। कहाँ के हैं? रेवाड़ी। रेवाड़ी में रेवड़ी, रेवड़ी याद रखना। रेवड़ी के ऊपर क्या लगा होता है? तिल। अरे तिल वाली रेवड़ी ना आती क्या? उसको खाते हम, उससे खाने से दिमाग आ जाता है। तो दिमाग ज्यादातर रेवाड़ी में, मतलब पुरुषों में ज्यादा, तो वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दोबारा सुन लीजिए, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे तो सारी जगह के हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन मैं कह रहा हूँ पुरुष साक्षरता दर की। दोबारा सुन लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला गुड़गांव, सबसे कम बोलो मेवात। महिला साक्षरता दर है गुड़गांव, सबसे कम है मेवात। सबसे ज्यादा पुरुष है रेवाड़ी, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है मेवात। आया समझ में? अरे छह क्वेश्चन पता लगे, दो और पता करो। जहां लोग पढ़े लिखे ज्यादा होंगे वहां की इनकम भी ज्यादा होगी, जहां लोग पढ़े लिखे कम होंगे इनकम भी कम होगी। अगर बात करें पीसीआई, किसकी बात करें? पीसीआई। पीसीआई होती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है? गुड़गांव। अब बताओ कम किसकी है? मेवात। आठ क्वेश्चन याद हो गए आपको? अरे हो गए। अगर बात कर दे प्यारे बच्चों लिंग अनुपात की, किसकी? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में उल्टा कर दो, उल्टा नहीं आया समझ में? लिंग अनुपात में पहले नंबर पे कौन है? मेवात। आखिरी पे कौन है? गुड़गांव। वैसे आखिरी पे पानीपत है, आखिरी पे पानीपत है, लेकिन कुछ बुकों में गुड़गांव का भी जिक्र किया गया है। इसका भी लिंग अनुपात है पानीपत के बराबर सही है प्यारे बच्चों, एक दो का फर्क है, बाकी कोई दिक्कत वाली। अरे आया समझ में? अब 10 क्वेश्चनों का उत्तर दो। हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर, जल्दी बोलो, गुड़गांव। सबसे कम है मेवात। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर है गुड़गांव, सबसे कम है मेवात। पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर रेवाड़ी, कम है मेवात। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति इनकम है गुड़गांव, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम मेवात। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा मेवात, कम है गुड़गांव, गुड़गांव और पानीपत। अरे याद रहेगा, ये 10 क्वेश्चन आपके पेपर में से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इनमें से। उम्मीद करूँ समझ में आया होगा। आया बच्चो? आगे लिखेंगे अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी से लिखेंगे। हरियाणा के अंदर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, हरियाणा के अंदर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या होती सर जी? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो हरियाणा के अंदर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 19.90% है, 19.90। पांच स्टार लगा के लिख लेना क्वेश्चन को भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में आया। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब नहीं समझ में आया? 2001 से 2011 10 सालों में हरियाणा की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी बढ़ोतरी है? 19.90, यानी कि लगभग 20% जनसंख्या बढ़ा के गिर दी हम लोगों ने प्यारे बच्चों। 10 सालों के अंदर 20%, यानी कि डबल मार्जिन है ना? हाँ, और किसी चीज में डबल मार्जिन, इसमें डबल मार्जिन है। अगर बात करूँ, लिखो दशकीय साक्षरता वृद्धि दर, देखना यहाँ चाले की बात देखना आप लोग हरियाणा के लोगों की, दशकीय साक्षरता वृद्धि दर, दशकीय सक्ष, अरे अभी क्या लिखा आपने? जनसंख्या, अभी क्या लिखेंगे? दशकीय साक्षरता वृद्धि दर। तो साक्षरता वृद्धि दर, साक्षरता यानी कि लिटरेसी, लिटरेसी कितनी बढ़ी हरियाणा की? 8.70%, 8.70% लिटरेसी हरियाणा की कितनी बढ़ी है? 8.70% लिटरेसी, 8.70 बढ़ी। कमाल की बात देखो, जनसंख्या में पूरा जोर दे रखा है 19.90% और साक्षरता दर में कितनी? 8. यानी कि पढ़ाने में जोर दे रहे हैं केवल 8% और जनसंख्या पे जोर दे रहे हैं 19.90। अरे या तो मेरे भाई 2011 के आंकड़े हैं, जब 21 के आंकड़े खुलासे होंगे, जब लगागा स्लिप बताते हो तुमने, लॉकडाउन के पाछे तो डूंडा पाट रहा है। हाँ, जनसंख्या में खूब वृद्धि हुई है, थाली पड़े ना काम में नहीं था, जनसंख्या बढ़ाने में काम में है। हरियाणा के लोग इस चीज मांग गए हैं मेरे भाई। अगर लिंग अनुपात की बात करें, लिखो क्वेश्चन, घना जबरदस्त क्वेश्चन है। हरियाणा का कुल लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, हरियाणा का जो लिंग अनुपात है मेरे बच्चों, हरियाणा का लिंग अनुपात 879, हरियाणा का जो लिंग अनुपात है कितना है? 879 लिंग अनुपात है। और कसुत्ती बात देखो, हरियाणा का लिंग अनुपात में सबसे आखिरी नंबर है, सबसे आखिरी। कितने राज्य भारत में? 28, तो कौन सा नंबर है? 28वां। कमाल की बात है, देखो क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है मेरे बच्चों हमारा? 21वां। क्षेत्रफल में 21वां,
हमारा भारत के अंदर जनसंख्या में 18वां, जनसंख्या में 18वां, जनसंख्या में 18वें नंबर पे हम, और अगर बात करूँ साक्षरता में 15वें नंबर पे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हरियाणा के अंदर लिंग अनुपात की, तो हरियाणा के लिए बड़ी शर्मनाक और दयनीय बात है कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना, 8.79, 28वां नंबर है मेरे भाई हरियाणा का भारत में, सबसे आखिरी नंबर पे हम हरियाणा वाले इस बात में लिंग अनुपात में। कन्या भ्रूण हत्या सिस्टम पूरा चलता है भारत के अंदर, तो मोदी जी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला दिया, उस वजह से थोड़ा लिंग अनुपात में सुधार आ गया। नहीं तो मेरे भाई आपको पता है प्यारे बच्चों सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं मतलब सरकार क्या कहती है, सही रेशो क्या होता है, सही रेशो होता है 1000 पर 985 लड़कियां होनी चाहिए, सही रेशो है 980 से 85 लड़कियां होनी चाहिए, ये भारत का रेशो होना चाहिए ऐसा, तब जाकर भारत में सुधार होगा। लेकिन हमारे हरियाणा में तो डूंडा पाट रहा, कितनी है 8.79, यानी कि 1000 छोरे पे छोरी कितनी है 8.79, यानी नु समझो 111 रांडे अंडा है हरियाणा में, 800 हजार रुपए यानी कि 1000 छोरे हैं 879 क्या हैं लड़कियां, 121 ये मेरे भाई गामा मांडल लग रहे हैं, जुकर गामी जोटे अंडे अगर हैं, हाँ जुकर ये खागड़ अंडे अगर गामा में, इन तब बचो ये से दणके हैं, मैं बताऊं ये सारे से दणके हैं भाई साहब, तुम लोग मजाक ना मानियो इस बात को। हाँ अगर जो जल्दी, अरे तो शुक्र है एक आधी लड़कियां बेचारी दो तीन का एक जो है संभाल रही है एक लिए, हाँ हाँ थोड़ा सा ठीक सा है, मतलब कि बात करें जब दो तीन का टाइम पास करवा रही हैं, अरे है कि नहीं है, तो ये तो मेरे भाई जाए यू बिचाड़ा ना हो, एक आधा छो माओगा नुको का एक जनी दो या गल बात करे तीन, अरे शुक्र है दो तीन गल कर रही है, नहीं मेरे भाई ये सेदेंगे सारे के सारे, है कि नहीं प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को याद रखना। हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो 8.79 है, 121 लड़के हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं खुले धरती, मतलब भारत के अंदर खुले घूम रहे हैं, इनको छोड़ा गया खुले, ये कोचिंग सेंटरों पे है ना, इधर उधर कॉलेजों में सारे को मेरे भाई गलियों में धूमा मचा रखा है, इतना धूम खा रखे कति तड़के, जब सवेरे एकेडमी का टाइम हुआ है तो ये चार जंग अठैया लाते अंडे हैं, कोई दिख जो तेरी भाभी आ गई, सारी इनकी भाभी आ गई, तो यू चाला पाट रहे हरियाणा के अंदर मेरे भाई, तो इसे सुधारो हरियाणा, मोदी जी सरकार जो है वो थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। तो चलो आगे का क्वेश्चन लिखेंगे, हरियाणा का लिंग अनुपात कितना, 8.79, 879 लिंग अनुपात, हरियाणा का कौन सा नंबर है 28वां, अगला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट।